Welcome back. Uh, joining us right now is the Union uh, Road Transport as well as MSME Minister, Mr. Nitin Gadkari. Thank you so much for speaking to NDTV. My first question, would you like to tell us a little about your ministry's decision against not allowing these Chinese firms because this was in the news recently. infrastructure, उसमें हर कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन को पूर्तता करनी पड़ती थी अभी जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बड़े बड़े साहिबगंज का पुल बना रहे गंगा पर या अभी बिहार में पटना में हम लोग दो ब्रिज बना रहे या झोजिला टनल बना रहे या दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे अभी तक ये देश में बने ही नहीं है तो जब ये प्री क्वालिफिकेशन में हम ये डालते थे कि भाई इतना बड़ा आठ करोड़ की टनल है जोजिला के और इसको ऐसी इतनी बड़ी टनल जिसने बनाई वो क्वालिफाई होगा तो कोई आने वाला ही नहीं है क्योंकि हमारे देश में बनी नहीं है तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक लॉजिक हम सबको हमारे लोगों को बताया कि अगर एक अस्सी मंजली बिल्डिंग है तो जो पाँच मंजिले बना सकता है वो अस्सी मंजिले बना सकता है इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ऊपर ही जाना है तो मैंने कहा यह हमारे नियम गलत है और इसलिए हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के कंडीशन के कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में कैपेबिलिटी होने के बाद भी उनको जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए करना पड़ता था और मुझे लगता है अब हमने अभी तक इसके तरफ उनको करने भी दिया पर जिस प्रकार की परिस्थिति तैयार हुई है उसमें हमें ये उचित नहीं लगता और इसलिए हमने इसके बाद भविष्य में हम कोई अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे और वर्क ऑर्डर नहीं देंगे जिनका जॉइंट वेंचर चाइनीज कंपनी के साथ है और इसके साथ भविष्य में भी हमने सबको कहा है कि आप इस समय चाइनीज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करोगे तो हम आपको डिस्कवालीफाई करेंगे तो ये निर्णय किया है देश के हित में है और आज की स्थिति में उचित है और मुझे लगता ये करने में हमें कोई टेक्निकल अड़चन नहीं आएगी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे और दूसरी तरफ हमने ये भी निर्णय किया है मैंने सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनको कहा है कि टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर कर ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स को रिलैक्स करने का काम हमको करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं जल्दी ही वो आएगा बाहर तो हमारी कंपनी भी उसमें क्वालिफाई हो जाएगी रिगार्डिंग टेक्निकल कोलेब्रेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल नहीं है या कहीं वर्ल्ड में है तो वो टेक्नोलॉजी के लिए हम निश्चित रूप से हमारे कॉन्ट्रैक्टर जॉइंट वेंचर कर सकते हैं पर आज हमारे देश में सभी इक्विपमेंट आई है ऑल जितने जितने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट है वो हमारे पास है हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े कॉन्क्रीट रोड बना रहे हैं उनके पास पेवर्स है रेडीमिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स है सब प्रकार का है सॉइल स्टेबिलाइजर की टेक्नोलॉजी है हमारे पास यूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात है तो अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े प्री कास्ट में हमारे अच्छा काम कर रहे हैं कितने अच्छे अच्छे ब्रिजेस बनाए गए आप मुंबई के एयरपोर्ट पर नए एयरपोर्ट पर जाने वाला ब्रिज देखो कितना सुंदर बनाए तो हमारे सभी कॉन्ट्रैक्टर में ये कैपेबिलिटी है केवल हमने हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म में हम सुधार जो किया है उससे यही लोग निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट भी बन जाएंगे क्वालिफाई भी हो जाएंगे और केवल हिंदुस्तान में नहीं तो अब वर्ल्ड में कहीं भी जाकर काम कर सकेंगे इतनी काबिलियत

अभी दो महीने पहले हमने पीपी -पी किट चाइना से इंपोर्ट की थी स्पेशल फ्लाइट से आई थी आज हमारे एमएसएमई इतनी अच्छी किट और इतने बड़े प्रमाण पर कि पांच लाख पीपी किट पर डे हम तैयार कर रहे हैं और आज हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि हमको एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिले और आज भारत सरकार ने उसको अनुमति दी है अब हमारी पी पीपी किट वर्ल्ड में जा रही है अब हमको इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगरबत्ती की काड़ियां हमारे आती थी धीरे धीरे हमारे अलग अलग प्रकार से ट्रेडर करके लाते ही थे शायद कल्पना करके आपको हैरान होंगे आप अब यह केवल एक निर्णय के कारण 25 से 30 लाख गरीब महिला पुरुषों को रोजगार मिला है अब अब खादी ग्रामोद्योग की ओर से हम लोग स्पेशली छोटी मशीन जो अगरबत्ती की स्टिक्स बनाती है उनको देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और भारत में इसमें बंबू भी अवेलेबल है ये इस प्रकार का और अब यह काम हिंदुस्तान में होगा और 25 से 30 लाख लोगों को महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा तो मुझे लगता है अब ऐटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें कास्टिंग है फाउंड्रीज है हमारे पास कैपेबिलिटी है पर क्या है कि चाइना में वॉल्यूम बड़ा होने के कारण उनकी कॉस्ट कम होती है तो हमारे इंडस्ट्री में इनिशियल स्टेज पर वॉल्यूम कम होगा तो कॉस्ट एकदम कम होने में थोड़ा समय लगेगा तो धीरे धीरे हम जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारी कॉल्स भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी केवल हमारे इंडस्ट्री के लिए नहीं हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने लायक बनेंगे हम हमारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं हम लोग एक ही जगह से चाइना में एक शहर है उसमें केवल फर्नीचर बनता है हम भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं तो मुझे लगता है डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे यहाँ भी हमारी कैपेबिलिटी है आज वर्ल्ड में आप मुझे बताइए कि अच्छे डॉक्टर्स हमारे वेल रिकोग्इज एंड रेस्पेक्ट यूएसए यूके सब जगह पर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नंबर एक पर है सब लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इतना बड़ा मार्केट है और स्किल मैन पावर है इंजीनियर इंजीनियरिंग ट्रेंड मैन पावर है हुँ. इतनी बड़ी ताकत है और लैंड लॉ लिक्विडिटी और लॉ उसके साथ हम लोग लॉजिस्टिक पांच एल में हमने जो चेंजेस लगातार कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उससे वर्ल्ड बैंक में भी अभी हमारा नंबर रैंक भी बढ़ गया ईज ऑफ बिजनेस में धीरे धीरे हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाए और कैपेबिलिटी बढ़ाने के बाद देश की तो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर ही सकेंगे पर आगे चलकर हम एक्सपोर्ट में भी काफी आगे जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है ठीक है मिस्टर गडकरी इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन आत्मनिर्भर आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू Do you think that these two things have been timed? Uh, oh, it's just so happened that they've been timed well, where we are imposing restrictions on these Chinese companies, and at the same time, we want to be Atmanirbhar. The time is just right to give a boost to Atmanirbhar by, in a way, building an appetite for denying unnecessary imports from China. देखिए आत्मनिर्भरता और चीन इसका दोनों के बातों को जोड़कर आप सोचिए भी मत और इस इस लाइन में जाइए मत मैं बचपन में था मुझे एक अच्छा उदाहरण हमारे टीचर ने दिया था कि दो रेखाएं एक आपकी और दूसरी की है दूसरी की रेखा पूछने के बाद आपकी बड़ी होगी या आपकी रेखा अपने काम से आप बड़ी करिए मुझे लगता है हमने पॉजिटिव सोच के साथ अपनी रेखा को बड़ा करना चाहिए केवल चाइना का विषय नहीं है पूरे वर्ल्ड में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ना चाहिए और इसके लिए हमको लो कॉस्ट कैपिटल लगेगा उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा अब एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं मैं अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस एक फाइनेंशियल कंपनी ने अरेंज की थी दस हजार लोगों के साथ चर्चा हुई फिर उसके बाद में दुबई के इन्वेस्टर के साथ मेरी वीडियो कॉल पर चर्चा हुई अब एम एस एम ई को हम लोग कम से कम पचास हजार करोड़ फंड ऑफ फंड दे रहे हैं कि जो एम एस एम ई जिनका इनकम uh, टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है बैंक का टर्नवर अच्छा है जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है एक्सपोर्ट करती है उनका सिंप्लीफिकेशन की मेथोडोलॉजी से हम उनका रेटिंग करेंगे और उनको स्टॉक uh, एक्सचेंज में वो जाएगी और फॉरेन इन्वेस्ट भी इन्वेस्टमेंट एफ भी उसमें आएगी अब यही काम हम कर सकते हैं और हमारे में पूरी टेक्निकल एबिलिटी है एटोबाइल इंडस्ट्री हमारी साढ़े चार लाख करोड़ की है उसमें से एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है अभी इलेक्ट्रिक बाइक हमने मार्केट में हमारे लोगों ने लाई है बजाज और टीवीएस का 50 परसेंट बाइक का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है और हम एक समय हमारे देश में अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी लाएंगे तो और स्पेयर पार्ट्स की कीमत कम होने में होंगे और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ऑटोमोबाइल well का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हर सेक्टर में हम क्या मदद सरकार की ओर से कर सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े हमारी इंडस्ट्री आगे जाए रोजगार की निर्मित हो और देश आत्मनिर्भर बने और फाइव ट्रिलियन की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री mm. जी का सपना है वो हम पूरा कर सके ओके इंपोर्टेंट पॉइंट गडकरी माई फाइनल क्वेश्चन लास्ट वीक वी इंट्रीव्यूड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम एंड ही से फ्री मार्केट इज एक्चुअली द फ्यूचर एंड वी मस्ट नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर बिकॉज इट मे एंड अपन सिचुएशन वे वी मे गो बैक टू दी 80s. A free market will help India compete in the global economy. I want to know your response. देखिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा पर चिदंबरम जी जब वित्त मंत्री थे और यूपीए सरकार का राज था तब इज ऑफ बिजनेस में वर्ल्ड बैंक में हमारा रैंक कौन सा नंबर पे था और हमारे पांच साल में हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद वर्ल्ड बैंक ने हमारे ईज ऑफ बिजनेस में हमारे रैंकिंग को कहाँ लेके गए आज कहा ये तो इसमें भारत सरकार ने तो रैंकिंग नहीं दी है और इसलिए हम लिबरल इकोनॉमी के बिल्कुल पक्षधर है पर उसके साथ साथ गांव गरीब मजदूर किसान जो महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है जो शोषित है पीड़ित है दलित है सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको केंद्र बिंदु मानकर हम नीतियां बनाएंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में साढ़े तीन करोड़ जो अकाउंट्स थे वो पैंतीस करोड़ हो गए आज हम हमारे देश में गरीबों को अनाज लगभग फ्री ऑफ चार्ज देने की योजना को हमने एक्सटेंड कर दिया है तो एक तरफ गरीब को केंद्र बिंदु मानकर हमको देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है गरीबी मिटाना है रोजगार को निर्माण करना है और इंडियन इकोनॉमी को रैंकिंग के रूप से ऊपर ले जाना है एक बात जरूर है कि ईज ऑफ़ बिजनेस में वर्ल्ड बैंक ने हमको और ऊपर का नंबर देने के बाद में भी और सुधार करने के पीछे हम लगे हैं और निश्चित रूप से हम डिजिटल सिस्टम का पूरा उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से इतना अमूलाग्र परिवर्तन करेंगे ई गवर्नेंस के साथ कि हम उसमें करप्शन नहीं होगा डिले नहीं होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 100 परसेंट ट्रांसपेरेंसी होगी टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी और लोगों को घर में बैठकर डिजिटल सिस्टम के द्वारा अपने काम वो कर सकेंगे जिनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब ये एक आइडियल स्टेज है बहुत सा काम हमने किया है और इसको गति मिली है और इसलिए लैंड से लेकर लेबर तक लिक्विडिटी से लेकर लॉजिस्टिक तक सब बातों में कैसे कैसे सुधार हो और कैसे कैसे हमारे इंडस्ट्री के लिए इसका उपयोग हो इसी प्रयासों से लगातार सरकार प्रयास कर रही है राज्य सरकार का भी सहयोग ले रही है और मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम निश्चित रूप से आएंगे और एमएसएमई एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर दैट्स अ रैप इन दिस एडिशन ऑफ द बिग फाइट बट न्यूज विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड